हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्रंट एंड विद चंदे। सो ये मेरा न्यू चैनल है और इससे पहले एक और चैनल था मेरे पास। सो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इट्स अ रिक्वेस्ट सो दैट मेरा भी इंटरेस्ट बना रहा है। मैं आपकी आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, वैसा समझिए कि आपको, इसलिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम एक रिएक्ट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सो ये उन लोग के लिए जो बहुत बिगनर लेवल पे हैं या जो रिएक्ट सीखना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, और जो फ्रेशर्स हैं या कॉलेज से पास आउट होने वाले हैं या अभी कॉलेज में ही हैं, ये उन लोग के लिए वीडियो है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आपके रिज्यूमे में कुछ डालने के लिए होता ही नहीं, आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं और आप फ्रंट एंड में जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर इंटर्नशिप ढूंढते हैं, तो आपको ऐसा ऑफर आता ही नहीं है क्योंकि आपके रिज्यूमे खाली है और आपको शोकेस के लिए कुछ है ही नहीं। तो बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम और वो सारे पोर्टफोलियो में आप ऐड करते जाना। सो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि पहले छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, फिर थोड़े से मीडियम साइज़ के बनाएंगे, फिर लार्ज साइज़ के बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट में कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। इस वीडियो में मैं अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा फोकस कोड पे करें, ना कि मेरे पे। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं मेक माई ट्रिप का एक्स एम्प्लॉय रह चुका हूँ और काफ़ी मतलब 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है विथ मल्टीपल स्टार्टअप्स। मेरे बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बता दूंगा, मीनवाइल हम प्रोजेक्ट पे ही बात करते हैं। सो रिएक्ट काफ़ी पॉपुलर है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है, और लाइब्रेरी, आप इसको लाइब्रेरी कह सकते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि लाइब्रेरी है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब प्रोफाइल सर्चर हम बना रहे हैं। सो बेसिकली जब आप गिटहब, अगर नहीं जानते हैं जो लोग गिटहब, तो मैं बता दें गिटहब जो होता है वो वर्जन कंट्रोलिंग, आप कह लीजिए उसको वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आप कोई भी आदमी जिसने गिटहब पे अपना प्रोफाइल बना रखा है, उस आदमी के यूज़र आईडी से अगर आप उसको सर्च करेंगे तो उस आदमी की डिटेल दिख जाएगी, कोई भी आदमी और मतलब जो भी यूज़र होगा उसकी डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा बनाएंगे हम, ज़्यादा एकदम भयंकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब टाइम वेस्ट तो कोई चीज़ नहीं है ये, मतलब लर्निंग ही है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि लंबी वीडियो बनने की वजह से लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बनाएंगे कि मतलब सिंपल सा एक एप्लीकेशन बन जाए ताकि आपके रिज्यूमे में ऐड करने में मज़ा आए। धीरे धीरे बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी यही प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब मैं मिड से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए और आपको ये ना लगे कि मेरे पास भी एरर आया था और मैंने वो आपको दिखाया नहीं। अगर मेरे में कुछ एरर आएगा तो उसको हम उसी टाइम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे। और आप मेरे साथ कोड लाइन बाय लाइन मत करना, ठीक है, मतलब जब 1 मिनट का वीडियो देखना फिर आप वापस पीछे जाना फिर कोड लिखना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोडिंग जो है वो फिजिक्स और मैथ्स की तरह होता है, इसको याद नहीं कर सकते, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है, अगर आपका कोई भी लैपटॉप हो, मैक ओएस और उबंटू, सो मैं विंडोज़ पे हूँ फिलहाल, तो सबसे पहले आप जहाँ भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उस फोल्डर में चले जाएँ, मतलब डायरेक्टरी जिसे कहते हैं, मैं डेस्कटॉप पे वो बना रहा हूँ, और ये कमांड डाल देना। अगर आपके सिस्टम में नोट जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लेना, अगर आपने कभी नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसकी भी एक वीडियो डाल दूँगा छोटी सी हेल्प के लिए। अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी है कि नोट जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो कर लेना। तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे हम, ठीक है, ये कमांड है। सो npx के थ्रू हम लिख रहे हैं कमांड कि क्रिएट रिएक्ट, अभी रिएक्ट की ऐप बनानी है हमें, और उस ऐप का नाम दे देते हैं। तो मैं ऐप का नाम दे देता हूँ प्रोफाइल फाइंडर, जो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, नाम ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए, ठीक है, और फिर हम कर देंगे एंटर। ये कुछ पूछेगा मेरे से और तो इसने स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अगर कुछ आपको यस नो का हो तो आप यस कर देना, उसको पढ़ते पढ़ते एकदम कमांड फॉलो करते हुए आगे चल जाए। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो ये पहला प्रोजेक्ट सबसे छोटा प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि आप मतलब 2-3 घंटे की वीडियो, लंबी वीडियो बना के और
प्रेशर में, फिर आपको पहले आई क्विट वाला आता है कि इतनी लंबी वीडियो कौन फॉलो करेगा। बहुत छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं और बहुत ईजी वे में समझाऊँगा, तो जो कुछ बनेगा वो भी मैं दिखाऊँगा आपको कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। सो प्लानिंग ऐसा ही कि बहुत अच्छे से बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे जैसे आपको दिखा रहा है कि सीडी प्रोफाइल फाइंडर करना है, एनपीएम स्टार्ट करना है, तो हम वैसा ही करेंगे। सीडी प्रोफाइल खुद ब खुद आ गया और कर देंगे एनपीएम स्टार्ट, तो हमारा प्रोजेक्ट चल जाना चाहिए विदाउट एनी एरर। अगर एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करना, तो ये देखिए चल गया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसा रहा, तो ये पहला स्टेप था जो मैंने किया है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके वापस इस टर्मिनल वाले जाएं और खुद से इंस्टॉल करें और यहाँ तक आपको आना है। सो आपको अपना प्रोजेक्ट यहाँ तक पे सेट कर लेना है। सो मैं अभी एक पॉज लेता हूँ कुछ सेकंड का, तब तक आप पॉज करके इसको पीछे चले जाना, ठीक है। आई होप कि आपने प्रोजेक्ट सेट कर लिया, आपके स्क्रीन में ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले कोड ओपन करेंगे। कोड ओपन करने के लिए मैं VS कोड यूज़ करता हूँ, और आप भी, आई होप कि आप भी यही यूज़ करो क्योंकि ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, ठीक है। प्रोफाइल फाइंडर प्रोजेक्ट खुल गया। यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है जिसमें लोगो वगैरह रहता है, ठीक है। मैं बेसिक सा बता देता हूँ, मेन जो हमारा काम होता है वो सोर्स फोल्डर में है, ठीक है। और पैकेज डॉट जेसन में जो डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है, वो रहती हैं। जैसे ये डिपेंडेंसीज है कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट यही कमांड हमने यूज़ किया था, npm start, बिल्ड करने के लिए npm build। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो मेरे पुराने चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हो। मेरे चैनल का नाम था कोडिंग विद चंदेल। दोनों चैनल चलेंगे पैरेलल में, दोनों में अल्टरनेट वीडियोज आएंगी, तो आप दोनों को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब चलते हैं हम app.js में। सो ये जो है ये बेसिकली यही है। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाना भी है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि हमें ये सब नहीं चाहिए जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये नहीं चाहिए। हमें अपना प्रोफाइल स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमको थोड़ी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, थोड़ी नहीं काफ़ी चीज़ें। तो जैसे मैं यहाँ हेडर है, यहाँ से ये सारा क्लीन कर देता हूँ, क्लीन कर दिया, ये लोगो वाला पार्ट भी हटाया। तो जैसे ही मैंने क्लीन कर दिया, ये ब्लैंक स्क्रीन हो गया। अब हम यहाँ पे अभी बेसिक सा हेडिंग डाल देते हैं H1 करके। वो एरर आ रहा है क्योंकि अभी कोड लिख ही रहा हूँ मैं, GitHub प्रोफाइल फाइंडर, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब हम अपना, तो अभी सबसे जो पहले जो हम बनाएंगे, हम बस API इंटीग्रेट करके डेटा इसमें बस दिखाएंगे। इसको UI बहुत अच्छा नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है कि आप एक बार JavaScript में हाथ, मतलब React को सेट कर लो, उसके बाद मैं इसको CSS के थ्रू मतलब सुंदर बनाएंगे इसको, मतलब एकदम इंट्यूटिव बनाएंगे, देखने में विजुअली अपीलिंग लगेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो GitHub की API है वो ओपन API, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको बस ये URL चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे रख रखा है। तो जैसे कि ये URL है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उसको आप यूज़ कर लोगे। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आता है, API हिट करोगे तो रिस्पॉन्स। तो API के बारे में अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। तो अभी हम यूज़ इफेक्ट करेंगे। तो देखो जैसे मैंने यूज़ इफेक्ट लिखा ना, तो यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट हो गया है यहाँ पे। अगर आप में इंपोर्ट नहीं हुआ हो तो प्लीज़ इसको ये लाइन लिख लेना आप ऊपर, ठीक है। अभी यूज़ इफेक्ट का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर फिर एक फंक्शन होता है, इसको हम कर्ली ब्रेसेस से ऐसे ओपन करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये डिपेंडेंसी के लिए है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट API हिट करना है लोड पे, उसके बाद मैं आपको सर्च वाली फीचर दिखाऊंगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है। यूज इफेक्ट में हम करेंगे फेच और ये दे देंगे URL जो हमने ले रखा है, ठीक है। उसके बाद करेंगे डॉट देन rest.json, rest is for response,
ठीक है, उसके बाद करेंगे रिजल्ट और फिर कर देंगे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका भी ऐसे हो गया हो तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके आप इसको फॉर्मेट कर लेना। अच्छा होता है, तो ये कंसोल लॉग मैंने रिजल्ट किया है और यहाँ पे मेरा आईडी है, ये मेरा आईडी है, इसकी जगह आप अपना आईडी डाल सकते हो। लेकिन जब हम इसमें सर्च इम्प्लीमेंट करेंगे तो जिसका भी आप नाम डालोगे और एंटर दबाओगे या फिर सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो उसका प्रोफाइल का रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल अभी तो मैंने सिर्फ अपना डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। इसको चेक करना है कि सही काम कर रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे कंसोल चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ से इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ कंसोल में जाना है आपको, कंसोल में दिखा नहीं रहा है जैसे। अच्छा, ये जेसन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, वो मैंने ठीक कर दिया। यहाँ पे जेसन फंक्शन होगा, रेस्ट डॉट जेसन फंक्शन कॉल करना, और ये देखो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो अभी आप, अभी मैंने पॉज कर दिया, आपको भी यहाँ तक इतने स्टेप करने हैं तो आप वापस से करो और यहाँ तक पहुँच जाओ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप यहाँ तक अगर आपका ऐसा रिस्पांस कुछ आ रहा है, जो आपने मेरे प्रोफाइल का डाला होगा तो मेरा आएगा, अगर आपने किसी और का डाला तो उसका आएगा, या फिर आपने किसी ऐसे यूज़र का डाला जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका कुछ डिटेल नहीं आएगा, हो सकता 404 का एरर दे दे। तो आई होप कि आपने मेरा डाल के एक बार टेस्ट कर लिया होगा या फिर अपना डाल के टेस्ट कर लिया होगा। सो ऐसा कुछ आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना रिज़ल्ट को बाइंड करेंगे, तो क्योंकि ये रिज़ल्ट जो है मुझे याद नहीं रहेगा कि मुझे क्या क्या बाइंड करना है, क्या क्या कीज़ है। हम यहाँ नेटवर्क कॉल से कॉल कॉपी कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करके। ये पूरा चाहिए मुझे, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ जेसन ब्लॉग में पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिखा हो। मैं अब थोड़ा सा इसको 50-50 कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा चाहिए मेरे को क्लियरली आपको दिखाना है, ठीक है। ये एड एस को इग्नोर मारते हैं। सो ये मेरा कुछ ऐसा रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, और ये इसको भी बंद करते हैं, ये अभी ब्लैंक है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक कोड कर लिया होगा, यहाँ कमांड कंट्रोल बी करने से वो साइड बार बंद हो जाता है, फिलहाल ऐसा है, ठीक है। तो अभी मुझे ये सब इंटीग्रेट करना है, सो दैट कि मैं आपको एक बढ़िया सा इन्फॉर्मेशन यूआई पे दिखा पाऊँ, ठीक है। तो अभी हम सिंपल बनाएंगे कि यहाँ पे हम डालते हैं पी टैग डालते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक मैं वो टैग डाल देता हूँ, स्पैन डाल देता हूँ, और यहाँ पे डाल देता हैं ऐसे नेम, ठीक है। अभी आप बस देखो, मैं फिर थोड़ा ब्रेक लूँगा तब आप कोड लिखना, ठीक है। अब नेम से रिलेटेड हमारा इन्फॉर्मेशन कौन से की में आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये नेम से आ रहा है। तो अभी हम इन तीनों चीज़, ये जो है ना, ये इतने डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं फिलहाल, अभी फ़िलहाल के लिए हम इतने कीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको यूआई पे दिखाऊंगा कि जो चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने नेम डाला तो नेम आ गया, उसी तरीके से अभी करते हैं इसको, ठीक है, नेम। अब इसको बाइंड जो करना है ना, तो इसको बाइंड करने के लिए जो डेटा जो आया हमारा रिज़ल्ट में, इसको कहीं सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये हवा में अभी डेटा, इसको कहीं सेव करना पड़ेगा। यहाँ से रिस्पॉन्स आया, बट अगर सेव नहीं करेंगे तो रेंडरिंग नहीं होगा। तो यूज़ इफ़ेक्ट के साथ ही एक और चीज़ यूज़ होगा, यूज़ स्टेट, ठीक है। ये स्टेट जो होता है बेसिकली वेरिएबल्स के लिए होता है, ताकि जब दोबारा से स्क्रीन लोड हो तो डेटा लॉस्ट ना हो। तो ये यूज़ स्टेट है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप कॉन्स्ट लिख लेंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट जो कि एरे वाला जो होता है, ठीक है। इसमें जो पहला नाम होगा वो वेरिएबल का नाम होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाम दे देता हूँ मैं यूज़र डेटा करके, ठीक है, यूज़र डेटा, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल का नाम, और इस वेरिएबल को सेट करने के लिए एक फंक्शन का मेथड होता है, फंक्शन या मेथड जो भी आप कह लो, तो वो ऐसा होता है कि उसके आगे सेट लग जाता है, बाकी सेम वेरिएबल का नाम होता है कैमल केस में, सेट यूज़र डेटा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है इसका नाम देने का, और यहाँ पे हम कर देंगे यूज स्टेट, ठीक है।
और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डालनी होती तो हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल देंगे, क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं हमारे पास, तो हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो फेच मेथड कॉल किया था और कंसोल लॉग रिजल्ट किया था, इसकी जगह पे हम बस डेटा को सेट कर देंगे। तो हम जो सेट यूज़र डेटा फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, तो अब जो ये रिजल्ट आया था, जो मैंने ये जो दिख रहा है अभी एक एग्जांपल के तौर पे स्क्रीन पे आपको, ये पूरा का पूरा डेटा अब यहाँ यूज स्टेट में यूज़र डेटा में सेव हो चुका है। ठीक है, वो अभी इस तरफ नहीं दिखेगा क्योंकि हम कोड कर रहे हैं, यहाँ पे सेव हो चुका है। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं वो आपको आगे बताता हूँ। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सिंपली बाइंड करने के लिए सिंगल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना। सो हमेशा याद रखना, रिएक्ट में जो बाइंड करना होता है, जब हम वेरिएबल को बाइंड करते हैं तो सिंगल कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है, लेकिन जब हम सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं, जब हमें कोई बाइंड नहीं करना वेरिएबल से, तो उसमें कोई भी कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होना आप। ठीक है, टैग्स के अंदर जब भी आपको JS वाला पार्ट, जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट लिखना होता है, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डेटा डॉट नेम, ठीक है, जो यहाँ पे था। ठीक है, अब इसको इसी को कॉपी पेस्ट करते जाना नीचे। बस अब यहाँ नेम की जगह मैं करूँगा कंपनी, ठीक है, और यहाँ भी नेम की जगह हो जाएगा कंपनी। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल वी कंट्रोल सी करना है। नेम कंपनी के बाद मैं लोकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी फिर लोकेशन कर देंगे। ठीक है, आप इसको लोकेशन भी लिख सकते हो, ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं इसको बदल सकता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मुझे इसी से मैच करवाना होगा, क्योंकि जो डेटा जिस की से आ रहा है उसी की से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा मैच नहीं कर रहा तो फिर वो नहीं दिखेगा। ठीक है, ईमेल मेरा नल है तो वो भी नहीं। ठीक है, बायो है, बायो डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको बायो। ठीक है, अब मैं डालता हूँ जो मैंने ब्लॉग का जो वहाँ पे नहीं डाला था वो यहाँ यूज़ करते हैं, ब्लॉग URL कर देते हैं, या फिर सिंपल ब्लॉग भी रख सकते हैं। ठीक है, और बायो की जगह यहाँ पे जो हमारा की है यहाँ पे सेम यही कॉपी करना है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हैं हमारे पास, हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ये सारा डेटा जो यहाँ दिख रहा है हम पूरा यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इतना यूज़ किए। अब हमारे पास एक और चीज़ बचता है अवतार वाला, जिसको हम आगे करेंगे, बट अभी इतना कर दिया मैंने। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। सो इस तरीके से कुछ दिख रहा है कि नेम निशान था, कंपनी नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, बायो आ गया, मेरा ब्लॉग URL आ गया। ठीक है, तो ये अभी सुंदर सा नहीं दिख रहा है, बस डेटा दिख रहा है जो कि मैंने बाइंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप फिर से कोड करें, और यहाँ तक जब आपका इतना डेटा आ जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी कुछ सेकंड का पॉज लेता हूँ, तब तक आप कोड पॉज वीडियो पॉज करें पीछे देखें। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, कोड इतना कर चुका है आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें इतना डेटा चाहिए था, उसमें बस एक अवतार का URL जो है, अवतार बेसिकली मेरे प्रोफाइल पिक्चर का पार्ट है। ठीक है, इस URL से आएगा, तो उसको यूज़ करना है मुझे, तो इसको मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इमेज दिखाने के लिए जो मुझे टैग चाहिए वो IMG टैग चाहिए, उसके सोर्स में। अब मुझे क्योंकि JavaScript लिखना है, तो मैं फिर कर्ली ब्रेसेस लिखूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे कर दूँगा यूज़र डेटा डॉट जो की वहाँ था अवतार URL। ठीक है, और यहाँ पे एक अल्ट दे देना, ये काफ़ी एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी यूज़ होता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोफाइल पिक्चर, इसको आप प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र पिक्चर, जो भी नाम देना है आप अपने मन से। ठीक है, ये सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ देखते हैं, तो इतना बड़ा इमेज आ गया, क्योंकि अभी मैंने CSS लिखा ही नहीं है। हाँ, ये मेरी ही फ़ोटो है, थोड़ी पुरानी है बट मेरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी भी आपने यूज़र डेटा, मतलब जो ID यूज़ किया होगा, तो उसकी आ रहे हो। ठीक है, तो इतना हो चुका है अभी। अब हम इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं, CSS लिखते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ index.css में। तो यहाँ पे बॉडी में कुछ चीज़ें पहले से लगी हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह सब हो रखा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं एकदम फ्रेश करूँगा, मैं जैसे ही सेव करूँगा ना तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाना चाहिए। लेफ्ट अलाइन नहीं हुआ, और कोई css है क्या इस पर? अच्छा सॉरी, यहाँ पे app.css, तो इसको वापस रहने देते हैं, इसको एज इट इज। app.css में देखते हैं कि क्या क्या हो रखा है, ये सब नहीं चाहिए फिलहाल, तो मुझे ये हटा देना है, ये सब हटा ही देता हूँ। अब लेफ्ट लाइन हो जाएगा, सो ये लेफ्ट लाइन हो गया। अब हम क्योंकि स्क्रैच से मुझे करने का अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे स्टार्टिंग से ही करो तो आपको अच्छा। सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे हम कंटेनर, ठीक है ठीक है। कंटेनर को हम दे देते हैं पैडिंग, ऐसे ही मैं दे रहा हूँ, कोई वो नहीं है, 20 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैं इसको कंटेनर का बैकग्राउंड जो है वो देता हूँ हैज F5, ठीक है। पैडिंग दे दिया मैंने, बैकग्राउंड दे दिया। अब इसके जो अंदर का पार्ट होगा उसको सेंटर करना है, तो हम करेंगे उसको डिस्प्ले एरर से। ये एरर पे इग्नोर मारना, क्योंकि अभी जब कोड सही हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फिर करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये बेसिकली इसके अंदर के जो भी चाइल्ड डिव बनाऊंगा मैं उसको सेंटर करने के लिए, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये था। अब मैं अगर इसको इसको क्लास जो क्लास ऐप है इसके आगे अगर मैं कंटेनर लिख दूँ तो हमारा सेंटर हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, बट मेरे को इसे इसे कंटेनर बनाना है, तो मैं इसको क्लास नेम, सो इसमें क्लास नहीं होता, इसमें क्लास नेम होता है, क्योंकि क्लास इसमें रिजर्व रहता है, ठीक है। कंटेनर हमने कर दिया, बना दिया ऐसे सेंटर करके, बट ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको वापस से, सॉरी गलती हो गई, इसी को कंटेनर बनाते हैं। और इसको कुछ और नाम देता हूँ, इसमें कुछ और क्लास बनाते हैं, इसको लिखते हैं प्रोफाइल कंटेनर, प्रोफाइल डैश कंटेनर। सो क्लास का नेम हमेशा स्नेक केस में देना है, सॉरी स्नेक केस नहीं, कबाब केस में, ठीक है। तो ये गिटहब प्रोफाइल यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज करते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन में कर देता हूँ, डायरेक्शन कॉलम, तो ये हाँ ऐसा कुछ हो गया है। अब फिर इसको सेंटर करूँगा और थोड़ा सा इस इमेज को बेटर करना, तो क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में एक ही इमेज है, हम उस डायरेक्ट IMG टैग को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल, विड्थ कर देते हैं 200 पिक्सल, देखो आपने इमेज छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा राउंडेड करते हैं, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, ठीक है, ये काफ़ी ठीक लग रहा है आप। अब इस प्रोफाइल कंटेनर को हम सेंटर करेंगे, कंटेनर, सो इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर,
align items center. उसके बाद flex direction column. ठीक है, तो अब सारा कुछ सेंटर हो गया. पैडिंग 200 पिक्सल दिया था, इसको सेंटर कर दिया था. ठीक है, और दूसरा तरीका है कि इसको हम थोड़े अच्छे तरीके से बनाएं, तो इस तरीके से कुछ. ठीक है, मैं इसको थोड़ा और बेटर कर देते हैं. इसमें जो ये टेक्स्ट इन्फो है इसको हम अलग कर लेते हैं, सो दैट इमेज को अलग से सेंटर रखें और इनको अलग सेंटर रखें. सो अब सेंस बना रहा होगा ये. हम कुछ ऐसा ही बनाएंगे, इसको थोड़ा बेटर करेंगे. ठीक है, क्योंकि इमेज के साइड में हमें थोड़ा स्पेस चाहिए राइट साइड में, तो हम कर देंगे इसको. अगर यहाँ से भी कर सकते हैं, गैप 4 कर देते हैं, साथ यहाँ गैप 20 पिक्सल करते हैं. ठीक है, तो इसके बीच में गैप हो गया. ठीक है, अब एक और चीज था कि हमने स्पैन यूज किया था, तो उस स्पैन टैग को हम थोड़ा वो कर देते हैं, फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं उसका. फॉन्ट वेट बोल्ड, सो ये ऐसे कुछ बोल्ड हो गया. अब हम ये नेम, कंपनी, एड्रेस, बायो, ब्लॉग की जगह पे आइकन भी यूज कर सकते हैं, तो वो हम आगे करेंगे. तो अभी के लिए इतना जो मैंने बनाया है वो मैं चाहता हूँ कि आप बना लो, और मैं कुछ टाइम के लिए वेट करता हूँ आपका, तो आप यहाँ तक पहुँचो. ठीक है, फिर मुझे बताना. तो ठीक है, सो मैं समझ मतलब मान रहा हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच गए, तो अब आगे का काम करते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है. थोड़ा सा यूआई बेटर करने के लिए अब बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करते हैं. ठीक है, तो बैकग्राउंड के लिए हम जाएंगे यहाँ पे ग्रेडियंट CSS करके सर्च करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट ना एग्जांपल में मिल जाएंगे जिसको हम यूज करेंगे, हम खुद से नहीं बना रहे. ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ यूज कर लेते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे आपको CSS मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लो. ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया, अब वापस यहाँ आते हैं. ठीक है, ग्रेडियंट देख लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास. ये लाइट अच्छा नहीं लगेगा मुझे, पर ठीक है, लाइट भी थोड़ा कूल ही लगता है. सारा कुछ हटाओ, पेस्ट करो, सेव करो, और यहाँ देख. ठीक है, ये डिसेंट लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है. ठीक है, बट ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कंटेनर को सेंटर में करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले index.css में जाएंगे, यहाँ जो बॉडी है यहाँ पे css लिखना पड़ेगा. यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स सेंटर लाइट आइटम सेंटर, और यहाँ पे देते हैं हाइट 100%. कोई ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, बेसिकली हमें HTML पे हाइट देना चाहिए. ठीक है, तो ये पूरा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया. ठीक है, अब जो हमने ये जो बैकग्राउंड दिया, मैं चाह रहा हूँ कि बॉडी पे भी हो जाए, बट थोड़ा सा हम चेंज करेंगे उसको लीनियर करते हैं, और
इस डायरेक्शन में करते हैं। सॉरी यहाँ पे आ जाए, 270 पे कॉपी करते हैं, देखते हैं कि कैसा दिखेगा हमारा। ठीक है, सो बेसिकली प्रोफाइल का रिवर्स और इधर का इधर मैंने कर दिया था। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, बट मुझे अभी डिसेंट सा ठीक दिख रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये मुझे ठीक लग रहा है अभी के लिए, इतना रहने देते हैं। ठीक, अब ये इतना अगर बन गया आपका, तो एक स्टेप और चलते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे शैडो CSS या शैडो जनरेटर, आप सर्च करना। और मेरा फेवरेट वाला कहाँ गया, यही था क्या? हाँ यही है। तो ये जनरेट कराएंगे हम इससे शैडो, तो बेसिकली इसको कर देंगे ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो कर देते हैं, ये बन गया। और इसको अब करेंगे कॉपी, तो सारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी कर लो तो काम हो जाएगा हमारा। और आ जाते हैं इस पर, अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो प्रोफाइल कंटेनर है हम उस पर इसको जाके ऐसे पेस्ट कर देंगे, ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको, ये यही फ़र्क चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, जो शेडो हम पूरे कंटेनर पर लगा रहे हैं, हम सिर्फ इस पर लाते हैं, इंस्टेड ऑफ वो हम सिर्फ प्रोफाइल वाले पे डालेंगे बैकग्राउंड। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, थोड़ी सी पैडिंग देते हैं तो कि सुंदर सा दिखे, बढ़िया सा दिखे। 20 पिक्सल इज एनफ। ठीक है, और इसको और अच्छा बनाने के लिए इसका बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर थोड़ा राउंड करते हैं, रेडियस 100 पिक्सल करके देखते हैं तो कितना घटिया दिखेगा। नहीं, इतना अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक ही दिख रहा है बट वाहियात नहीं दिखना चाहिए। इसको करते हैं 20 पिक्सल ही करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो इतना हमने बना लिया। ठीक है, इस कोड में अब इतना ही रखते हैं इसको, आप भी यहाँ तक बनाओ इसको, और जब इतना बन जाए तो फिर हम, वैसे आप ये भी काफ़ी है डिप्लॉय करने के लिए, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि बस एक आदमी का प्रोफाइल सर्च हो रहा है, दो तीन लोगों का अगर हमें सर्च करना है तो उसके लिए हमें एक सर्च बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, सेकेंड वीडियो में पूरा कंटिन्यू करके हम सर्च बार इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और इशू भी नहीं आएंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा जंबल्ड अप या बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसीडर कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको, और क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मैं क्यों नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।